एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये मेरा जो वीडियो बना रहे हैं हम, ये दोबारा वीडियो में जफर इस्लाम खान पे मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया, उस वीडियो को जाकर देखो। वो वीडियो रियल है या अफवाह है? क्योंकि भारत के अंदर जब मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है, जब मुसलमान की छोटी मासूम बच्चियों को बलात्कार होता है, 7-8 साल जैसे आसिफा और जिक्रा जैसी लड़कियों का बलात्कार होता है, वो सब गोदी मीडिया की नज़र में एक अफवाह है। जब भारत के अंदर गरीब मुसलमान सब्जी वाले फल वालों को धमकाया जाता है, डराया जाता है, उनको जान से मारने की धमकी दी जाती है, तो ये सब गोदी मीडिया और अंधभक्तों की नजरों में अफवाह है। तो वही मैंने उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला। उस वीडियो को जाके देखो कि भारत में किस तरह से मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को इस्लामिक कंट्रीज तक पहुंचाओ। अगर तुम मुसलमान ये वीडियो इस्लामिक कंट्रीज में नहीं पहुंचा सकते, तो एक काम कुछ नहीं कर सकते अपने इस्लाम के लिए बोल सकते, तो एक काम करो, इतना ही करो हम लोगों के लिए कि जो ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला वीडियो का, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि पूरी दुनिया में पता चले कि भारत में मुसलमानों के साथ कितनी जास्ती और कितना जुल्म हो रहा है। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, गुजरात में 2002 से लेकर अब तक के मुसलमान वहाँ उनके साथ कितना जुल्म हुआ, ये पूरी दुनिया को पता हमें बयान करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ भाई, 2-4 मुसलमान से पूछो तो वो वाहवाही छाटने के लिए काफिरों के डर से कहते हैं हाँ हम ठीक है ये, लेकिन नहीं, हमें उनके दिलों में झाँक कर उनके दिल की गहराई में डूब के हमको उनके दर्द को महसूस करना है। खैर, अभी मैं इस बात बारे में बात करूँ तो बात बहुत लंबी चली जाएगी, मैं इस बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। अभी जो मैं बात करने जा रही हूँ, मैं जफर इस्लाम खान को करने जा रही हूँ। आपको पता है जो दुबई की जो प्रिंसेस हैं, यूएई की जो प्रिंसेस हैं, प्रिंसेस हेल्ड अल कासमी, उनको मैंने फॉलो किया है। उनका ट्विटर अकाउंट रियल है, उनके फॉलोवर भी रियल है, और जो उन्होंने भारत के जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा उन पर जो उन्होंने आवाज़ उठाई वो भी हकीकत है। दोस्तों, आपको हम बताना चाहते हैं, आप लोग बड़ा भाईचारा भाईचारा करते ना, ये भाईचारा नहीं, ये आपके लिए कैंसर का चारा है मेरी नज़रों में। देखो कितने शातिर ये काफिर है, तुम्हारी इस्लामिक कंट्रीज में जाते हैं, बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, वहाँ से पैसे कमाते हैं और अपने आरएसएस और संघियों के लिए काम करते हैं। दुबई में रहने वाले जो काफिर है, इस्लाम खिलाफ जहर उगल रहे थे, हमारी जमाती मौलाना साद को आतंकवाद बोला जा रहा था, हमारे मुसलमानों को बोला जाता ये कोरोना जिहाद फैला रहे हैं। तो जब इस पर जो प्रिंसेस दुबई की जो प्रिंसेस ने आवाज़ उठाई थी वो भी हकीकत है, और वहाँ के जो काफिर हैं जो दुबई में रह रहे उन पे जो सख्ती बरती गई वो भी सच है। काफ़ी लोगों ने उस पर जहर उगला था इस्लाम खिलाफ, लेकिन अब उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट जो वहाँ काफिर है उन्होंने डिलीट कर दिया। वहाँ पर कुछ काफिरों की जॉब भी चली गई है और कुछ लोग अंडरग्राउंड हो गए। खैर, वो सब हकीकत है, लेकिन अब बात दूसरा पार्ट हम ये देखना चाहते हैं, जो बात जफरुल इस्लाम खान पे आई है, जो उन्होंने ट्वीट किया है। तो जो ये यूएई की जो ओरिजिनल प्रिंसेस है उनके बारे में अंकुर आर्या ने क्या कहा है वो मैं अपनी ज़ुबान से इस वीडियो में नहीं कहूँगी। मैं अंकुर आर्या के मैं ये कहना चाहती हूँ सारे काफियों से, रमज़ान तक सबर कर लो, उसके बाद जो वीडियोज़ आएगा तुम्हारे, तुम सोच नहीं सकते कि तुम्हारी हम किस तरह से धज्जियाँ उड़ाने वाले हैं, इस बात को नोट डाउन कर लेना। खैर, तो जो दुबई की जो प्रिंसेस है जिनका ओरिजिनल ये ट्विटर अकाउंट है, तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है दूसरी इस्लामिक कंट्रीज़ की प्रिंसेस का एक फर्जी अकाउंट बनाया गया, वो भी बनाने वाले पाकिस्तान की साजिश बताई जा रही है। तो उन्होंने जो फर्जी अकाउंट बनाया था उसमें मुसलमानों के लिए जो मुसलमान के साथ भारत में जुल्म हो रहा उसके लिए आवाज़ उठाया था, तो उसी को फॉलो किया था, शायद उसी को फॉलो किया था इन्होंने जो ये जफरुल इस्लाम खान है, तो उसी का धन्यवाद किया था। सिर्फ उन्हीं को ही नहीं, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ जो आज हम लोगों के साथ हैं, जो हम लोग पर जुल्म हो रहा उस पर आवाज़ उठा रही, सबको इन्होंने थैंक्स बोला था और 2-4 बार संघियों को बोल दिया था, जिसकी वजह से भारत में आइटम बॉम्ब फूट गया है, जिसकी वजह से संघियों को अटैक पड़ गया, जिसकी वजह से सेकुलर भाईचारों को दिल का दौरा पड़ गया है, जो भाईचारा भाईचारा कहते थे। देखो, हम एक बात ये कहते थे, भारत से ज़्यादा शातिर मुल्क दुनिया में कोई मुल्क नहीं। भारत में ये कहा जाता है कि अगर भारत में मुसलमानों को मारा जाए, भारत में मुसलमान की बच्चियों का कत्लेआम किया जाए, भारत में मुसलमान की छोटी बच्चियों का बलात्कार किया जाए, सब्जी वालों को मारा जाए, धसाया जाए, धमकाया जाए, तो भारत का मुसलमान उस पर आवाज़ नहीं उठा सकता। और अगर उस मुसलमान ने आवाज़ उठाया तो वो देशद्रोही है, और अगर उसने आवाज़ नहीं उठाया तो वो देशभक्त का सर्टिफिकेट उसको दिया जाता है।
अब जो जफरुल इस्लाम खान है, इन्होंने इसको थैंक यू किया था, जो बताया जा रहा फर्जी अकाउंट था प्रिंसेस का, दूसरी इस्लामिक कंट्रीज का। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, उसको ये बदनाम किया जा रहा है कि दूसरी इस्लामिक कंट्रीज का मतलब प्रिंसेस का फर्जी अकाउंट बना के भारत को बदनाम किया जा रहा है, जो कि ऐसा नहीं था। हम कहना चाहते हैं सिक्के के दो पहलू, एक सिक्के के दो पहलू, दोनों पहलू को देखो। उसने फर्जी अकाउंट बनाया था, उसके हम नाखिलाफ है कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उसने जब फर्जी अकाउंट प्रिंसेस के नाम से बनाया तो उसने उस अकाउंट में हकीकत बात लिखी, भारत के मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा उसको बयान किया, चाहे वो पाकिस्तान का मुसलमान हो, चाहे वो जिस कंट्री का मुसलमान हो, पाकिस्तान का मुसलमान हो, चाहे सऊदी का मुसलमान, या पूरी दुनिया का मुसलमान हो। और भारत के मुसलमान का रिश्ता क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता है हम लोगों का। तो जब फर्जी अकाउंट बनाया था तो उसी के मतलब ट्वीट किया था, एक पोस्ट किया था जफरुल इस्लाम खान ने कि यह हम सबका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और जो भी उन्होंने दो चार लाइन बोला था, तो वो उनका जो पोस्ट है उसको भी हम सही बोलते हैं, और जो फर्जी अकाउंट बनाया था वो चीज़ तो नाखिलाफ है, उसको हम सही नहीं बोल सकते, लेकिन जो फर्जी अकाउंट में जो मुसलमानों के लिए हक के लिए आवाज़ उठाई गई थी उसको हम समर्थन करते हैं, उसको हम सपोर्ट करते हैं। और जो जो इस्लाम खान है, जो जफरुल इस्लाम खान है, उन्होंने जो पोस्ट किया था उसको भी हम समर्थन करते हैं, उसको भी हम जो है सही बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आपको पता है? क्योंकि कोई मुसलमान है तो चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे वो बहुत गौर सुनना, चाहे वो सऊदी का हो, चाहे वो ओमान, जिस भी कंट्री का हो भाई, जिस भी इस्लामिक कंट्री, कोई अपना है तो कि कम से कम उसको ये डर तो है कि भारत में जो मुसलमान रह रहे, जो उनकी मॉब लिंचिंग हो रही है, भारत में जो गरीब सब्जी वाले मुसलमान उनके साथ जो जातियाँ, और उसके लिए हम आवाज़ उठाए, भले ही उसने फर्जी अकाउंट उठाए, लेकिन कोई मुसलमान हम लोगों के लिए सोचता तो है? कोई इतने ऊँचे पद पर रह के जैसे जफरुल इस्लाम खान हम लोगों के लिए आवाज़ तो उठाया उन्होंने? हमें यही बहुत खुशी है कि जफरुल इस्लाम खान ने अपने मुंह की चुप्पी तोड़ी और ये बात पूरे सबका ही बोला कि भारत में मतलब कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, और अगर हम लोग इस्लामिक कंट्रीज में ये बात कहेंगे तो भारत में जलजला आ जाएगा। तो इसको लेकर संघियों ने, सेकुलर भाईचारों ने इतना मतलब खींचते चले गए, इतनी बात खींचते हैं, उनको पद से हटाने की धमकियां देने लगे। इसीलिए तो हम कहते हैं यह भारत में मुसलमान आज़ाद नहीं है, क्योंकि भारत में आज भी कल भी मुसलमान गुलाम था, आज भी मुसलमान गुलाम है, और मुसलमान हमेशा भारत में गुलाम रहेगा, क्योंकि तुम इन हिंदुओं की नौकरी करते हो, मतलब सरकारी जॉब करते हो, और जब तुम्हारे इस्लाम कोई गालियाँ देगा, तुम्हारे मुसलमान को मारेगा, तुम उस पर आवाज़ नहीं उठा सकते हो। क्योंकि अगर तुम अपने आप को आज़ाद तब महसूस कर सकते हो, तब तुम अपने मुल्क को सेकुलर बोल सकते हो, जिस मुल्क में, जो मुल्क सेकुलर हो और जिसमें हर धर्म की आज़ादी हो, चाहे वो हिंदू हो, सरदार हो, मुस्लिम हो, चाहे जो भी धर्म हो, उसमें हक और इंसाफ की बोलने की आज़ादी हो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत एक सेकुलर देश था लेकिन अब नहीं है, भारत सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का खून का प्यासा है। और ये बात जफरुल इस्लाम खान को बहुत अच्छे समझ में आ चुकी है, और यही बात जो हमारे इंडियन ऑफिसर्स जो मुसलमान हैं उनको भी समझ में आती, जो हमारे मुसलमान डॉक्टर हैं उनको भी समझ में आती, जो हमारे मुसलमान कर्मचारी, सबको समझ में आती कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन वो शख्स बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उनके रोजी और रोटी का सवाल होता है। लेकिन हम आम जनता तो बोल सकते हैं ना, अपने इस्लाम के लिए बोल सकते हैं, अपने मुसलमानों के लिए बोल सकते हैं। आज जब जफरुल इस्लाम खान को टारगेट किया जा रहा था, हर एक मुसलमान को वीडियोस बनाना चाहिए और ये बात कहना चाहिए, हाँ हम उसको जो है नहीं मानते कि जिसने ये फर्जी अकाउंट प्रिंसेस के नाम से बनाया था हम उसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जो उसमें लिखी गई थी फर्जी अकाउंट में जो मुसलमान के साथ जो जुल्म हो रहा था, उसमें जो बातें लिखी गई थी उसको हम फुल सपोर्ट करते हैं, जफरुल इस्लाम खान को हम फुल सपोर्ट करते हैं कि उन्होंने हमारे मुसलमान के लिए आवाज़ उठाई, उन्होंने सारे इस्लामिक कंट्रीज़ को शुक्रिया अदा किया। और दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं, भारत में एक रीत बनती जा रही है कि भारत के जितने भी मुसलमान हैं, गरीब हो, अमीर हो, जितने भी हो, इन सब की मॉब लिंचिंग करो, और 100% में से 10% या 5% मुसलमान खरीद लो कि वो सरकार की तरफ से बोले टीवी पे बैठ के, और जो मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हो रही है, मुसलमान की जान जान नहीं है, मुसलमान की जान जान नहीं है, बाकी काफिर अपनी अम्मा के पेट से रंगा कर पैदा हुआ है, काफिर अपनी अम्मा के पेट से रंगा के पैदा हुआ, मुसलमान की जान जान नहीं।
5% मुस्लिम को खरीद लिया जाता है और बाकी 95% मुस्लिम को उन्हीं 5% मुस्लिमों का हथियार बनाकर उनका मुंह दबाया जाता है कि सच की राह पे ना चले। और जो हिंदू मुसलमान की तरफ से बोलते हैं उनका भारत में मर्डर हो जाता है। हम तो अब हिंदुस्तान के मुसलमान से बिके हुए मुसलमान को अलग करके ये कहना चाहते हैं कि तुम अपने इस्लाम के लिए बोलो, तुम जफरुल इस्लाम खान को भी सपोर्ट करो, और जो फर्जी अकाउंट जो प्रिंसेस के नाम से बनाया था वो चीज़ गलत थी, लेकिन जो अकाउंट भी लिखा गया था उस चीज को सपोर्ट करो। और यहाँ तक के मुसलमान को हर एक चीज पे आवाज उठानी चाहिए, जहाँ पे गलत हो रहा है गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो, अपने नबी के नक्शे कदम पर चलो, जहाँ पे जाए जिस भी इंसान के साथ जुल्म हो रहा है ये ना देखो, उसका धर्म ना देखो, लेकिन जो जुल्म करने वाला उसको उठाओ और लाठी और तोड़ना चालू कर दो। हम आपको एक हकीकत बताना चाह रहे हैं, आज आपके चुप रहने की वजह से आज जो है जफरुल इस्लाम खान टारगेट किए जा रहे हैं। अगर भारत में जब मॉब लिंचिंग स्टार्ट हुई थी तो मॉब लिंचिंग करने वालों की अगर आप लोग मॉब लिंचिंग करते तो आज भारत का मुसलमान ये दिन ना देखता। आज गुजरात का मुसलमान कितना डरा हुआ है ये गुजरात के मुसलमानों के दिल से पूछो। गुजरात के मुसलमानों पे 2002 से लेके अब तक की जास्तियाँ हो रही, लेकिन अभी तक के इस्लामिक कंट्रीज सिर्फ यही कहती है हम कार्रवाई करेंगे, हम फलाना करेंगे, हम धमाका करेंगे, ना वो अभी तक कुछ कर पाते हैं और ना वो कुछ कर रहे हैं। और यही चीज़ का फायदा उठा रहा है अंकुर आर्या नरसिंह वानी जैसे लोग। अब अंकुर आर्या अपने वीडियो में कहता है कि सारी इस्लामिक कंट्रीज मोदी को सपोर्ट कर रही, अगर सारी इस्लामिक कंट्रीज मोदी को सपोर्ट कर रही है और अमेरिका मोदी को सपोर्ट कर रहा है तो व्हाइट हाउस ने मोदी को अनफॉलो क्यों कर दिया? क्यों मोदी से यारी खत्म हो गई, अमेरिका की मोदी से यारी खत्म हो गई? खैर अभी तो तुम लोग अनफॉलो हुए हो, भारत को जल्द से जल्द सारे मुल्क में एक्सपोज करना चाहिए और भारत को ब्लैक लिस्टेड में आना चाहिए, क्योंकि भारत में जो मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, जो मतलब हिंदुओं का जो मतलब हिंदू आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं उनका जो मर्डर हो रहा है, जो दलित की बेटियों का जो रेप हो रहा है, भारत को जल्द से जल्द ब्लैक लिस्टेड में करना चाहिए और मोदी से इस्तीफा मांगना चाहिए। मोदी से इस बात से इस्तीफा मांगो कि मोदी ना जो है जो ऑनेस्ट एंकर है, जो इसके हिंदू है ये उनको भी जॉब से निकाल देता है, जो इससे सवाल करता है ये उसको भी नज़रअंदाज करता है, उसको मरवा देता है। अगर आज भारत इस सब मामलों में सख्त होता तो गौरी लंकेश हमारे बीच होती, अगर भारत आज इस सब मामलों में सख्ती बरतता तो जज लोया आज हमारे बीच जिंदा होते। तो वही कहना चाहते हैं हम कि भारत में सच का गला घुटा जा रहा है, और अगर सच का गला घुटा गया तो आप इतिहास गवाह है कि जहां पे सच नहीं रहा उस मुल्क की दुर्दशा क्या हो सकती है, आप अंदाजा लगा लीजिए। वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज़।